नहीं मैंने अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक इज़ अबाउट द किंग ऑफ द टर्माइट्स। फीमेल्स क्वीन के बारे में हमने पिछले टॉपिक में पिक्चर में पढ़ा था, आज हम किंग के बारे में पढ़ेंगे। द किंग इज़ फर्टाइल मेल लुक लाइक द क्वीन। किंग जो होता है वो क्या होता है, वो फर्टाइल मेल होता है। फर्टाइल मेल की मतलब ये है कि ये फर्दर रिप्रोडक्शन करता है। जब ये मेल और फीमेल क्रॉस होता है तो ये इससे जो अंडे प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, उससे बच्चे पैदा होते हैं। लुक लाइक द क्वीन, ये बिल्कुल क्वीन की तरह होता है। बट द ओनली डिफरेंस, लेकिन छोटा एक सी डिफरेंस होता है कि इसके क्या होता है कि इसका एब्डोमेन जो होता है वो क्वीन से बहुत ज़्यादा छोटा होती है, और ये साइज़ में भी क्या करता है, ये साइज़ में भी क्वीन से बहुत छोटा होता है, और ये अंडे नहीं देता। ये क्या करता है, ये अंडों को फर्टाइल करता है लेकिन अंडे देता नहीं है। ये जो है क्वीन से बहुत ज़्यादा छोटा होता है लेकिन साइज़ में छोटा होता है, लेकिन लुक लाइक द क्वीन और बिल्कुल क्वीन की तरह होता है। क्वीन की तरह होता है लेकिन ये साइज़ में क्वीन से छोटा होता है। सो द किंग इज़ फर्टाइल मेल लुक लाइक द क्वीन, क्वीन की तरह होता है, बट इट्स एब्डोमेन स्मॉलर देन द क्वीन, और इसकी जो छाती होती है, जो पेट होता है, वो क्वीन से छोटा होता है। एंड डू नॉट ले एग, और ये क्या करता है, अंडे नहीं देता। अच्छा, इसके बाद जो है अदर वर्कर, चार फोर क्लासेस है, क्वीन, किंग, वर्कर एंड सोल्जर। सो द वर्कर, द वर्कर इज स्टीराइल, दैट इज इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। वर्कर जो होते हैं वो स्टीराइल होते हैं, वो प्रोड्यूस, वो आगे जाकर बच्चे पैदा नहीं करते बल्कि वो स्टीराइल होते हैं। इसके हेड जो है, इसका हेड जो है, हेड है वो पी, इसके हेड में, इसके सर में जो होता है पिलर्स होते हैं, एंड विल डिवेलप माउथ, एक और बहुत विल डिवेलप माउथ होती है, इसकी मुँह जो है वो विल डिवेलप होती है। इसकी आँखें नहीं होती, बट नो आइज, इसकी आँखें नहीं होती। टोरिक्स हैज़ अ पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, इसकी टोरिक्स में क्या होता है, थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स है। विंग्स इसमें एब्सेंट होते हैं, इसकी विंग्स जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। टर्माइट्स में विंग्स नहीं होती, क्या नहीं होते, विंग्स जो है वो टर्माइट्स में नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो टर्माइट्स के नेक्स में होती है वो ज़्यादातर किस चीज़ की, वो वर्कर्स की होती है, और वर्कर्स बहुत से ड्यूटियाँ होती हैं नेक्स के अंदर, नेक्स के अंदर अपने घोंसले के अंदर वर्क की मुख्तलिफ ड्यूटियाँ होती है जो कि सर अंजाम देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हेल्प टू प्रिपेयर द नेक्स्ट, या बिल्ट होम, ये जो है वो क्या करते हैं, अपने घर बनाने में, या ये अपना हॉल बनाने में, या अपना नेक्स्ट घोंसला बनाने में क्या करती है, मदद करती है। दे लुक आफ्टर द एग्स ऑफ द क्वीन, वो जो क्या करती है, इसकी एक ड्यूटी ये भी होती है कि वो क्या करती है, वो क्वीन के अंडों की देखभाल करती है। जो मलका अंडी देती है उसकी क्या करती है, देखभाल करती है, और जो बेबी होती है, जो निम इससे प्रोड्यूस होते हैं, इसकी भी क्या करती है, ये वर्कर जो है ये इसकी देखभाल करती है। और दे आल्सो हेल्प टू पॉइंट फूड, और ये खुराक ढूंढने में भी क्या करती है, मदद देती है। तो ये मुख्तलिफ ड्यूटियाँ होती है जो कि वर्कर परफॉर्म करते हैं। टर्माइट्स फीड मेनली ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वुड्स, टर्माइट्स का खुराक हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर ये प्लांट्स की शाही खाता है या जड़े खाता है, बाज़ औक़ात ये ड्राई वुड्स, खुश्क लकड़ियाँ वगैरह भी खाता है, अक्सर घरों में फर्नीचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। दे आल्सो ग्रो मोल्ड्स इन दियर नेक्स्ट, ज़्यादातर इसकी नेक्स्ट से जो है मोल्ड्स निकल आते हैं, जिससे मोल्ड से बाद में फिर मशरूम्स निकल आ जाते हैं। मशरूम को हम उर्दू में कुंभी कहते हैं। सो वर्कर के बारे में दोबारा सुनिए कि द वर्कर स्टीराइल, वर्कर जो होता है वो स्टीराइल होता है। क्या होता है, स्टीराइल, वो फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो फर्दर क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो स्टीराइल होता है, और जब वो स्टीराइल होता है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये भी बिल्कुल तकरीबन क्वीन की तरह होता है लेकिन ये क्वीन से छोटा होता है, और ये सारे टर्माइट्स में कमज़ोर होता है क्योंकि वर्कर है तो ये कमज़ोर होता है। इट हैज़ अपीयर ऑफ पीलर्स, इसकी मूँछ होती है, मूँछ जो होती है विल डिवेलप मूँछ होती है, लेकिन इसकी आँखें नहीं होती, आँखें क्या होता है, आँखें नहीं होती। टोरिक्स हैज़ अ पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, इसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं, थ्री पेयर ऑफ लेग्स इसमें मौजूद होते हैं। कितनी, थ्री पेयर ऑफ लेग्स इसमें
वर्कर में विंग्स जो है मौजूद नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, जो नेक्स में मौजूद होती है, ज़्यादातर जो है वो वर्कर मौजूद होते हैं और इसके बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ होती है कि वो परफॉर्म करें। फॉर एग्ज़ाम्पल दे बिल्ड नेक्स, वो अपने लिए जो है ये घोंसला बनाती है, ये घोंसला बनाने में भी मदद करती है। लुक आफ्टर द एग ऑफ द क्वीन, मलका की अंडों की देखभाल करती है, अंडों की देखभाल करती है और बच्चे जो उस एग से निम्स वगैरह पैदा हो जाते तो उसके बच्चों की भी हिफाजत करती है और ख़ुराक ढूंढने में भी मदद देती है। और टर्माइट्स फीड ऑन टर्माइट्स, इसकी ख़ुराक जो है ज़्यादातर ब्रांचेस और ट्री है, दरख्तों के ब्रांचेस, रूट्स और बाद ड्राई ड्राई वुड्स ज़्यादातर जो है ये खाती है। और इसके घोंसले में ज़्यादातर जो है मोल्ड्स ग्रो होते हैं, मोल्ड आर स्पोर्ट्स, ये छोटे स्पोर्ट्स होते हैं जिससे फिर हमारे पास क्या होता है, बरसात के मौसम में जो होते हैं वो क्या निकल आते हैं, बरसात के मौसम में मशरूम निकल आते हैं। इसके बाद इसका एक क्लास है सोल्जर, सोल्जर जो है सोल्जर द वर्कर, सोल्जर जो होता है वो भी स्टीराइल होता है, ये वर्कर की तरह जो है ये भी स्टीराइल होते हैं। सोल्जर भी बिल्कुल स्टीराइल होते हैं, फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते। इन मैनी वे लुक लाइक वर्कर, ये बिल्कुल वर्कर की तरह होता है एक्सेप्ट इट हेड्स, सर के अलावा ये सारा वर्कर की तरह होता है। क्यों, हेड में इज मच लार्ज, इसका जो सर होता है वो लार्जर होता है एंड हैव पावरफुल जॉज टू फॉर प्रोटेक्शन, और इसमें इसके सर में पावरफुल जबड़े होते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। सम सोल्जर द हेड हैज अ शार्प पॉइंट विच लीव अ हार्मफुल लिक्विड ऑन द एनिमी, बाज सोल्जर के सर में एक पॉइंटेड एक नुकदार पॉइंट होती है, एक नुकदार सी पॉइंट होती है जिसमें हार्मफुल लिक्विड होता है। बाज़ औक़ात वो अपनी एनिमीज पर क्या करता है, वो डालता है जिससे एनिमी मर जाता है। द सोल्जर डिपेंड द नेक्स्ट अगेंस्ट द अटैक ऑफ अदर एनिमल सच एज सेंटीपेड्स, और ये क्या करती है, ये सोल्जर जो होते हैं ये अपनी घोंसले की हिफाजत करती है कि बाज़ औक़ात दूसरे जानवर, छोटे जानवर या ज़्यादातर सेंटीपेड जो होते हैं ये इस पर क्या करती है, इसकी घोंसलों पर हमला करती है और ये काट जाती है, तो वो इस पर क्या करती है, इसकी हिफाजत करते हैं। सोल्जर हमारे पास क्या है, सोल्जर बिल्कुल वर्कर की तरह होते हैं लेकिन इसमें ये स्टीराइल होती है, फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ इसके सर में चेंजेस होती है क्योंकि इसके सर में एक तो क्या होती है, पावरफुल जस होती है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, हिफाजत करता है। और दूसरा जो होता है इसमें एक शार्प पॉइंट होती है जिसमें हार्मफुल जहरीला जो नुकसानदेह एक लिक्विड मौजूद होता है, बाद औकात ये अपनी एनिमीज पर, अपनी दुश्मनों पर छोड़ता है, और बाद औकात ये अपनी निप्स की क्या करते हैं, अपनी निप्स की हिफाजत करते हैं अगेंस्ट, बाद औकात छोटे जानवर जो है इस पर हमला करते हैं या बाद औकात सेंटीपीड जो है इस पर हमला करते हैं, तो सोल्जर अपनी घोंसले की हिफाजत करते हैं, ये क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह लाइफ हिस्ट्री ऑफ